देख रहे हैं प्राइम बी की न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर अमृतसर पंजाब से आ रही है। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू में एक घर को आग लगाने की थी कोशिश, जहां पर आधी रात को एक नौजवान की तरफ से एक घर में दरवाजे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की गई कोशिश। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू में एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते अपने ही दोस्त के घर के बाहर आग लगा दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित गौतम के मुताबिक साहिल ने उनसे पैसे लेने थे, साहिल ने पैसे दिए जिस वजह से उनकी बोलचाल बंद हो गई, लेकिन अब साहिल ने उनके घर के बाहर आग लगा दी जिसकी सीसीटीवी भी सामने आ गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। घर के सदस्यों के मुताबिक साहिल उनके घर आता जाता है, वे गौतम का अच्छा दोस्त है, लेकिन गौतम ने साहिल से पैसे लेने थे, उन पैसों को साहिल ने दिया नहीं, जिस वजह से दोनों में बोलचाल बंद हो गई और झगड़ा भी हुआ। लेकिन पिछले दिनों ने साहिल के साथ दोबारा दोस्ती हो गई और साहिल ने उसकी वजह से उनके घर के बाहर आग लगा दी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उनका कहना है कि साहिल उनकी कार को आग लगाने आया था, लेकिन उस दिन कार घर के बाहर नहीं थी, जिस वजह से उसने घर के बाहर ही आग लगा दी। पुलिस के आला अधिकारियों ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कारणों की जांच की जा रही है, जल्द ही साहिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। हाँ जी सर, की मामला सर? किड़े मामले की गल करें, जी अग लगाई गई है गेट पे पेट्रोल पास। हाँ, ये कोई न्यू गोल्डन एवेन्यू दो लड़कियां का आपस में झगड़ा होया सी, दोनों ही नशा करने वाले लड़के ने। वो एक लड़के ने वो गेट के कोल जाके कुछ पेट्रोल वगैरह पा के उन्हें अग लगाई हुई है बाहरले पासे घर के बाहर, वो छानबीन हो रही है, पता कर रहे हैं भी की वजह सी ते क्यों की। सर नशा करते दोनों जने, एक ही इमीग्रेशन का काम करता वा, बहुत वधिया काम है, दोनों ही नशा करते ने। मैं चौंकी जाल तो जो रिपोर्ट मिली है कि दोनों नशा करते, मैं दोनों तलब कर रहा सवेरे बुला के मैं सारी कार्रवाई कर। सर एक सीसीटीवी वीडियो जी वायरल होती पी है, उस संबंध में ही मैं वो सारा तस्दीक कर रहा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।